क्या हो गया भाई? तो गई मुड़ गया पैर भाई आज ऐसे ही देख। ये देख लो भाई यहाँ पे ये हेलमेट का लॉक भी आ गया बाहर। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए इस ब्लॉग में। तो अभी जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है आप देख सकते हैं, तो 7:30 से ऊपर हो गया टाइम और देख लो अभी भी दिन है यहाँ पे। बस अभी जा रहे हैं राइड पे, तो देखते हैं कहाँ जैसे जाते हैं। एक तो यहाँ चाबी नहीं घुसती है इसमें, तो लॉक करना पड़ता है ना, तो उस चक्कर में। तो चलो आपको सीधा मिलते हैं अब हेलमेट पे। तो गाइस फाइनली निकल गए हम रूम से। तो भाई मौसम देख लो किस हिसाब का हो गया, और यहाँ पे शाम को ही आता है। मतलब ऐसे दिन में हम गए थे लेकिन तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया ना, मार्केट साइड गए थे। तो वहाँ से फरजाद भाई और मैंने सामान वगैरह लाया कमरे का, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं एंड में कि क्या क्या लिया फ्लैट के लिए। वैसे मैं वैसे बता देता हूँ, पर्दे वगैरह लिए थोड़े बहुत, और जो भी किचन का सामान होता है मैट वगैरह, और थोड़े बर्तन वगैरह बस। भाई लड़की कितनी लंबी थी। और इस टाइम तो भाई यहाँ पे ना लोग घूमे रहते हैं बस कॉलोनी में, यहाँ पे सही है ना ये वाला जो ये एरिया है। और देख लो ये फूल भाई क्या सही लग रहे हैं ना, दिन में बड़े अच्छे चमक रहे थे ये देखो, बिल्कुल येलो येलो ना सही लगते हैं, और पूरे एंड तक वहाँ पे लाइनों में लगे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं साइड बाई घूमने के लिए, और देखते हैं खाली वाली रास्ता मिलेगा ना, तो ऐसा करते हैं कि स्टंट प्रैक्टिस भी शुरू कर दूंगा मैं भाई थोड़े टाइम में ना, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो स्टॉप ही अच्छे से हो रही है ना व्हीली। पहले ऐसा कि इतने पॉप तो हो जाती थी, अब भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से मैं गिरा हूँ ना उसके बाद मैंने ट्राई नहीं की, करता हूँ तो उठती नहीं है। तो भाई भूल ही गया हूँ मैं कि कैसे करता था पॉप ना, तो बस वही है कि हाथ पड़ेगा बिठाने। एक तो आपको बताया कि दर्द जैसा हो जाता है ना गिरने के बाद, और जिस दिन मैं गिरा उस दिन भाई इतनी सही व्हीली मारता था मैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद वो था कि दो ढाई महीने तो मैंने मारी नहीं, तो उस चक्कर में फिर आपको बताया कि हर चीज़ का होता है ना भाई, हाँ हाथ बैठने पे ही है, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी देखते हैं, मैं सोचा हूँ जहाँ फतेहपुर साइड गए थे ना वो वाला रास्ता खाली था, तो देखते हैं उस साइड को निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे भी ट्रैफिक ही होती है आप देख ही सकते हैं। और यहाँ देखो भाई गाड़ी वाला कहाँ चला है, रॉन्ग ही चला है। भाई साहब खतरनाक ही बनते हैं ये, लो जी खतरनाक बंदे हैं, आगे पीछे देख लिया करो। सही है भाई, एकदम ही कट मार देते हैं, चाहे आगे वाले से रुके चाहे ना रुके, बस हमें तो भाई मोड़नी है, हमें जल्दी है, फिर चाहे ठुक जाए। बात तो सही है। इस वाले पॉइंट पे भाई पता नहीं क्यों होती है इतनी तगड़ी भीड़, या तो ये वाली गली ना कहीं जाती होगी वो देखे। तो यहाँ से घुसते हैं भाई इस वाले रास्ते से अंदर ना, यहाँ पे खाली रहता है रास्ता, तो यहाँ पे करते हैं थोड़ी बहुत स्टंट की प्रैक्टिस। अब देखते हैं पता नहीं उठेगी भी विली वगैरह स्टॉप किया या नहीं, क्योंकि इतने टाइम के बाद भाई हाथ ही नहीं बैठ रहा है ना, और ऊपर से डर लग जाता है जब उठाने लगते हैं, मतलब कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जो एक्सीलेटर और क्लच का कॉम्बिनेशन है ना वो नहीं बन पा रहा है, तो और क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे सही है क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है ना और खाली भी है, तो यहाँ जैसे मारते हैं थोड़े बहुत स्टंट्स। और वो देखो सामने भाई फतेहपुर भी है, तो यहाँ जैसे करते हैं ट्राई। भाई स्टॉप की तो अच्छी उठ रही है, बाकी थोड़ा डर ही लग रहा है मेरे को ना अभी, थोड़े बाद भाई स्टॉपी के क्लिप दिखा देते हैं आपको। व्हीली तो उड़ नहीं रही है, इस पे तो हाथ पड़ेगा ठीक से बिठाना, तो भाई से कराते हैं थोड़े बहुत फुटेज।
ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या हो गया, पीछे होगी भाई तो गई, देख के आराम से भाई घुस गए बीच में। क्या कर रहे हैं वो, सच में है क्या आगे? हाँ, आगे से निकाल ले, आगे से निकाल लेता हूं भाई। ओए जय सवाई साहब, लगी तो नहीं भाई गई? हाँ भाई, कंडे कंडे तो नहीं थे यहाँ? ना, ठीक है ना भाई, ठीक है। हाँ लगी तो नीचे, पता नहीं। हाँ भाई पैर मुड़ गया साला, ये तो मिट्टी है। हाँ यहाँ जैसे पता नहीं, एक तो साड़ी में पैर भी मुड़ गया मेरा यहाँ नीचे एकदम। क्या हो गया भाई एकदम? यहाँ पे मुड़ गई ना एकदम ही उस चक्कर में। ओ भाई था क्या वो, देख नीचे खड्डा जैसा, खड्डा उसमें फंसा ऊपर से, क्या मिट्टी में फिसलेगी भाई? हाँ भाई साहब, यहाँ खतरनाक सीन हो गया है। यहाँ तो एक तो ना स्टंट के उस चक्कर में ना भाई क्या लग गया सिर पे, वो तो पीछे बैठ जाए भाई यार। ये देखो यहाँ जैसे हम ना कट कुट मार रहे थे और भाई सीधा घुस गया घास में ही। ये देखो यहाँ जैसे पता नहीं क्या था भाई, ये ना खड्डा जैसा तो यहाँ पे बजा और यहाँ जैसे गिर गया था मैं, लेकिन भाई बच गया, पकड़ ली मैंने भाई। ना ना पैर में, हाँ पैर में मुड़ गया पैर भाई यहाँ जैसे। ये देखो क्या ही कर सकते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं। लो भाई इस चक्कर में हमारा हेलमेट भी टूट गया है, देख सकते हो आप, स्प्रिंग और लॉक भाई बाहर आ गया। ये देख लो भाई यहाँ पे ये हेलमेट का लॉक भी आ गया है बाहर। अब पता नहीं लगेगा भी कि नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ जैसे टूट गया है अपना लॉक, ये भाई ये तो पूरा पुरजा आ गया हाथ में। ले पकड़ियो एक मिनट नैनू, देखो इसका क्या सीन होगा भाई, सीन पे सीन ही हो रहा है, सारा स्टंट नहीं हो गया क्या हो गया? लेकिन भाई मारेंगे तो जरूर भाई, ये तो सब कुछ ही आ गया हाथ में। भाई इसको अब मुझे लगता है घर जाके पड़ेगा ठीक करने। अब क्या ही करें, एक तो हेलमेट की हालत आप देख सकते हैं, पहले टूटा पड़ा है, यहाँ से और टूट गया भाई, किस्मत ही खराब चली है। चलो अब इसको जेब में डालते हैं, इसको पुर्जे और चलते हैं, और क्या ही करें, जेब में पड़ेंगे डालने, अब फिर जाके पड़ेगा इसको ठीक करने। खतरनाक सीन हो रहे हैं यहाँ पे, पहले खुद गिरे अब हेलमेट भी मुझे लगता है नया पड़ेगा लेने, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, क्या लूँ मैं, पैसा भी तो होना चाहिए। चलो भाई चलते हैं, अब रूम पे चलते हैं ना, वहीं मिलते हैं आपको सीधा। एक तो बाकी पैर में दर्द होगी, बाकी ऐसा बाइक को नहीं हुआ है कुछ ना, यहाँ पे ये था कि घास था उस चक्कर में, नहीं तो गए थे। हाँ जी गाइस, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और भाई हेलमेट भी टूट गया अपना, हेलमेट का पता नहीं क्या हुआ भाई, लॉक ही टूट गया खुद ब खुद, और ऊपर से हमारे साथ ये वाला सीन हो गया। पहले बढ़िया व्हीली वगैरह मारे थे यार, व्हीली नहीं सॉरी स्टॉप ही मारे थे, व्हीली तो बजी नहीं रही थी, मेरा हाथ ही नहीं बैठ रहा भाई व्हीली पे ना, इस पे थोड़ा फोकस पड़ेगा करने। ऊपर से पता नहीं क्या ही हुआ है यार, एक तो मेंटालिटी भी होती है ना बंदे की, मेरे को जब से सर्विस हुई है ना बाइक की, ऐसा लगता है कि इसका पुश ही कम हो गया है, मतलब कि जो पुश मिलता था ना इनिशियल टॉर्क का वो कम लगता है अब, पता नहीं या तो दिमाग का ही है वो है, जब तक उठेगी नहीं ना एक बार तब तक ऐसे रहेगा दिमाग में। फिर मैंने सोचा कि वो ही मार देता हूँ बर्न आउट वगैरह, और घुस गए भाई घास में, सीधे सीधे पे घुस गए और वहाँ पे गिर गए। लेकिन ये था बाइक बच गई, बाइक को नहीं वो कुछ घास था ना, लेकिन पैर मुड़ गया मेरा, अब गेयर डालते डालते भाई दर्द हो रही है इसमें। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गए हम, और भाई आप देख लो हालत यहाँ पे क्या होगी है। तो ये हेलमेट का सिस्टम पड़ा है जो साइड में होता है ना, तो ये दिखा देता हूँ मैं, तो ये ऐसा कुछ था, और यहाँ से आप देख सकते हो हालत इसकी क्या हो गई भाई, हेलमेट भी गया और बाइक का तो चलो हुआ नहीं कुछ, लेकिन अपने पैर की हालत होगी भाई ख़राब, यहाँ जैसे सूज के आप देख रहे होंगे, ये देखो यहाँ जैसे ना एकदम मुड़ गया पैर, हुआ पता नहीं क्या भाई एकदम ही ना, जैसे हम वहाँ पे कट मार रहे थे वो सीधी घुस गई भाई साड़ी में जाके,
और ये तो वो था कि भाई वीडियो बना रहा था, नहीं तो बस गिरे रहना था मैंने। और उससे पहले हम वो मारते स्टॉपी वगैरह और वेली, तो उस चक्कर में ये था कि चलो सही है भाई, तब नहीं गिरे, नहीं तो ज्यादा लगन थी। गया मैं निकर में ही था और अभी पुरानी चोटें भी यहाँ पे ही हैं। बाकी अपने भाई यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। वेरी गुड। तो भाई मैं इसको जोड़ लेता हूँ पहले ना, जुड़ेगा तब, या फिर देखेंगे कोई हेलमेट वाला मिलेगा तो उससे जुड़वाएंगे, और क्या ही कर सकते हैं। पहले एक बार खुद ट्राई कर लेता हूँ, देख दुख के अगर होगा बाकी फिर दिखाता हूँ आपको अगर जुड़ गया। हाँ जी गाइस, तो फाइनली हो चुका है अपना हेलमेट ठीक, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे गैप है ना, तो यहाँ पे भी एक और स्प्रिंग था, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पे मिला नहीं हमें। और जो ये वाला स्प्रिंग लगाया है ना हमने, ये वाला यहाँ का था, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा है ना बीच में ये, तो उस चक्कर में बस ये जुगाड़ ही है जो कर लिया हमने यहाँ जैसे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ना पूरे में स्प्रिंग, ये देखो यहाँ भी अलग है और यहाँ पे छोटे वाला है ना, लाइट में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटे वाला है, लेकिन चलो सही है, काम चलाओ तो हो ही जाएगा। बाकी देखते हैं कोई मिलेगी ना हेलमेट की शॉप, तो वहाँ पे करा लेंगे इसको ठीक। बाकी चलो और क्या ही कर सकते हैं। बाकी भाई दिन आज का इतना बुरा था, आते आते एक ऑटो वाले ने ठोक दिया था हमें, लेकिन चलो वहाँ भी फिर बोलता है सॉरी भाई सॉरी, मैंने बोला हुआ है सॉरी, पर चलो कोई चक्कर नहीं, हुआ नहीं कुछ ज़्यादा, बस पैर में हो रही है दर्द, बाकी तो कुछ नहीं है। तो बस आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।